कोई एप्लीकेशन में आप कैसे 512 MB फ्री में पा सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक पे जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे तो पिछली वीडियो को देखिए, वो वीडियो जो है अभी वर्किंग है और दोस्तों ये वीडियो भी वर्किंग है। आइडिया म्यूजिक के एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, आप कैसे 512 MB फ्री में पा सकते हैं आइडिया म्यूजिक एप्लीकेशन में से। तो पहले आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे ओपन करना है दोस्तों। ओपन करने के बाद आपको सिंपली आपका आइडिया का नंबर जो है वो रजिस्टर करना है दोस्तों इसके टाइम लगेगा। तो ये देख सकते हैं आपको यहाँ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो उसके बाद आपको दोस्तों स्वैप स्वैप करना है, ऐसे ऐसे करके आप क्लिक करना है दोस्तों, और उसके बाद आपको गो इट पे क्लिक करना है। यह बोल रहा है क्या क्या करना है आपको, तो सिंपली वहाँ पे आपको गो तो उसके बाद आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर का ऑप्शन आएगा। दोस्तों मैंने इसे ऑलरेडी रजिस्टर किया है इसलिए वो ऑप्शन नहीं आ रहा है मेरे को। तो दोस्तों आपको यह ऑप्शन आएगा कंटिन्यू या गो इट पे, तो सिंपली वहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, और उसके बाद आपका जो OTP आएगा OTP रजिस्टर करना है दोस्तों। OTP रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मराठी, हिंदी, बंगाली, गुजराती कोई भी गाने हो गए, तो यहाँ पे आपको बैक नहीं लेना है, सिंपली आपको रजिस्टर बैक नहीं लेना है। सिंपली आपको रजिस्टर नंबर रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे एक गाना सुनना है दोस्तों। 4-5 घंटे में आपको एक मैसेज आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन योर डाटा हैज़ बीन सक्सेसफुल, ऐसा मैसेज आने पर आपको दोस्तों 512 MB मिल गया। 100% वर्किंग ट्रिक है दोस्तों। तो उसके बाद आपको सिंपली एक गाना सुनना है, उस गाना सुनने के बाद आपको जो बैक लेना है दोस्तों। 4-5 घंटे में आपको एक मैसेज आएगा, यूएस डाटा है, कॉन्ग्रेचुलेशन योर डाटा सक्सेसफुल। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो उस 512 MB डाटा को चेक नहीं कर सकते दोस्तों, आपको 512 MB जो आएगा तो 12 MB आगे का वो ख़त्म हो जाएगा, तो आपको आ जाएगा एक मैसेज स्क्रीन पे कि 500 MB लेफ्ट, उसके बाद 100 MB आएगा तो 100 MB लेफ्ट, ऐसा होता है दोस्तों। ये डाटा है तो चेक करना नहीं आता, तो सिंपली फ्री में मिलता है, देख सकते हैं नेट चालू है लेकिन वो दिखाता नहीं, ऐसा होता है दोस्तों फ्री में जो अभी मिलता है। तो जो पहले मैंने वर्किंग का ट्रिक डाला है, तो दोस्तों देख सकते हैं नो डाटा इज बैक एक्टिव बोल रहा है, लेकिन मेरा जो डाटा है अभी चालू है दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं फिलहाल आपको गूगल सर्च करके दिखाता हूँ दोस्तों, देख सकते हैं मैं अभी गूगल सर्च कर लेता हूँ, देख सकते हैं। उसके बाद मैंने इसे गो कर दिया, तो दोस्तों देख सकते हैं इसका जो नेट है अभी चालू है मेरा फोन सिम में, लेकिन आप तो देख सकते हैं नेट भी चालू है लेकिन वो डाटा नहीं दिखाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे टेक्नोलॉजी और ट्रिक्स के बारे में जानने के लिए।